होता है ना कि डॉक्टर का जब हम चेहरा देखते हैं, इसी तरह हमने अनुश्री मैम का जब फेस देखा तो ही हमें ऐसा लगा कि नहीं, आधी बीमारी तो हमारी उसी वक्त हमारी बच्ची की, ऐसा लगा कि बहुत सही जगह पर और सही हाथों में हम आए हैं। हेलो, मेरा नाम इशरत खान है। मैं यहाँ पर आई थी अपनी बच्ची को लेकर, जिसके लेफ्ट ब्रेस्ट में एक छोटा सा गांठ कह लें या लम कह लें, वो कई पिछले डेढ़ महीने से महसूस कर रही थी, और उसको लेके मैं परेशान थी क्योंकि मेरे मम्मी का भी ऐसा रह चुका है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उस वजह से किसी ने मुझे सजेस्ट किया, यशोदा हॉस्पिटल, मैम का नाम बताया और हम यहाँ पर आए। तो हमें जब ये डॉक्टर मिली तो हमें तो इनकी शक्ल से ही ऐसा लगा कि हाँ, जैसे कोई एक एंजल टाइप कोई है, एक फरिश्ता जैसा कोई है। और ख़ास तौर से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना डर होगा, लेकिन जब कहते हैं ना कि डॉक्टर का जब हम चेहरा देखते हैं, इसी तरह हमने अनुश्री मैम का जब फेस देखा तो ही हमें ऐसा लगा कि नहीं, आधी बीमारी तो हमारी उसी वक्त हमारी बच्ची की, ऐसा लगा कि बहुत सही जगह पर और सही हाथों में हम आए हैं। और आगे आगे भी उन्होंने हमें इतना कंफर्ट दिया अनुश्री मैम ने, कि बहुत ज़्यादा इतना हमारा कंफर्ट लेवल हो गया, हमें ये लगा कि नहीं, कोई बहुत अपना, बहुत करीबी और बहुत दिल से हमें समझाने वाला और सब कुछ हमें गाइड करने वाला कोई है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अनुश्री मैम का भी कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा हमारे साथ किया है, और आज हम पूरी तरह मुतमईन हैं और सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड अवेयरनेस फैलाइए, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिसेस खान फॉर दैट सोशल मैसेज गिव ऑल ऑफ अस। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि डर भी मिटेगा, दर्द भी नहीं होगा। विमेन डिजर्व बेस्ट, चाहे बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हो। वी मे नॉट एबल टू कंट्रोल वेयर वी आर बॉर्न, बट अगर हमें किसी चीज़ की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है तो वो रिस्क को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हर बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, सर्वेलेंस से भी हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सो मेनी एडवांसेस नाउ, वैक्यूम असिस्टेड सर्जरीज भी ऐसे ही एक एडवांसमेंट है। पीपल ऑफन से कि स्कार्स आर ब्यूटिफुल, बट मोस्ट ब्यूटिफुल इज़ हैविंग नो स्कार। So why settle for anything else?